हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक चतुर औरत को दूसरी चतुर औरत की चतुराई कैसे ठग गई, आइए कथा श्रवण करें। मानसिंह नाम का एक राजा था, उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन किया करता था। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काटकर आ जाता था। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ राजा के एक मंत्री की छत पर जा बैठा। उसके पुत्र वधु गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया, देखकर उसके मुंह में पानी भर गया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता ना उसने अपने सास को लगने दिया, ना ससुर को और ना ही अपने पति को ही, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन आकुल व्याकुल हो गया था, क्योंकि उन्होंने उस हंस को अपने पुत्र की भांति पाला था और उसके लिए वे बहुत अधीर हो रहे थे। वे रात भर प्रतीक्षा करते रहे। जब रात में हंस ना आया तो राजा ने चारों ओर उसकी खोज में आत्मे दौड़ा दिए, लेकिन हंस कहीं हो तो तभी तो मिले। राजा ने आस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं चला। चूंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वह उदास रहने लगे। एक दिन एक चतुर औरत राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने उसे कहा, मेरे राज्य के पंडित, जोशी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी नहीं पता लगा सका, तुम कैसे पता लगा सकोगी? चतुर औरत ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर लाऊंगी। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका आता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और चतुर औरत अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले चतुर औरत ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन सी स्त्री गर्भवती हैं। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधु गर्भवती है। अतः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इसके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश यह स्त्री उसे खा गई हो। चतुर औरत ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटतम मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है, इसलिए उस औरत ने अपनी चतुराई बरती। फिर चतुर औरत उसके पीहर के गांव में पहुंची। वहां जाकर उसने उसके पीहर वाले लोगों से उनके नाम धाम तथा उसके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लग गया कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौट कर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनके पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ लग गया है। वह दीवान जी के घर गई, उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह ममत्व की बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ, हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौट आई हूँ और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ वैही हुई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख में एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ,
और तुम्हारे लड़के होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड़ चाव करने अवश्य आऊंगी। दीवान के पुत्र बधु ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहकर ही जाइए, जाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है आपको? बुआ बनी हुई चतुर औरत को और क्या चाहिए था, उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। बुआ अपनी भतीजी से खूब चापलूसी भरी बातें करती, खूब उसे प्यार दिखाती। वह ऐसा जताती कि उसका चाहने वालों में से वह सर्वप्रथम है, उसका हित वह पहले चाहती है, दुनिया को बाद में। ऐसे ही एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है, उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है, किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते ही नहीं, इसलिए यह काम पार पड़े तो कैसे पड़े। यह सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था, तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए, मेरे सामने भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए, तब चतुर औरत ने कहा, बेटी अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे तथा और कोई भी ना रहे, हम दो ही रहेंगे। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। चतुर औरत लुक छुक कर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था उसके अनुसार हंस का अता पता लाई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाएं, हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन लें। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार चतुर औरत ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था, पुजारी या और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ ने शुरू किया, हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान जी के पुत्र वधु ने घटना सुनाना आरंभ किया। वह थोड़ी सी ही घटना कह पाई थी कि चतुर औरत ने सोचा, राजा ध्यान पूर्वक सुन तो रहा है ना, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजे का माथा ठनका, उसे वहम हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आँख खुल गई और सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजे की आंखें खुली त्यों ही बुआ की भी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। उसने अपनी अधिक चतुराई के कारण आया हुआ अवसर भी गवा दिया और अंत में राजा के दंड की भागी भी हुई। अतः दोस्तों, अधिक चतुराई भी सेहत के लिए हानिकारक होती है। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, हमने devvani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा, कहानियाँ, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप एक बार उन पर जाएं, उन्हें पढ़ें और अपने विचार हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। जय श्री राम भक्तों।